subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. साल 2018 में देश की कई बड़ी हस्तियों का निधन हो चुका है, जिसमें सुपरस्टार श्रीदेवी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल है। जनवरी से लेकर अब तक देश की कई बड़ी हस्तियों का निधन हो चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि साल 2018 देश की हस्तियों के काल वाला साल बन चुका है। आपको बताते हैं कि जनवरी से सितंबर तक भारत इन हस्तियों को खो चुका है। अभिनेत्री सुप्रिया देवी, मशहूर हस्तियों की रुखसती की शुरुआत जानी मानी बंगाली फिल्म अभिनेत्री सुप्रिया देवी से हुई। 26 जनवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 50 साल के लंबे करियर में सुप्रिया ने चौरंगी बाग, बंदी खेला और मेघे धाका तारा जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। उन्हें पद्म विभूषण समेत कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अभिनेत्री श्रीदेवी, 24 फरवरी 2018 को अचानक खबर आई कि बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया। श्रीदेवी की मौत दुबई में बाथटब में डूबने से हुई थी। 50 साल लंबे करियर में श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें पद्मश्री समेत 5 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। अभिनेता विनोद खन्ना, 2018 में मरने वालों की फहरिस्त में अगला नाम मशहूर बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना का है। लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद 27 अप्रैल 2018 को उनका निधन हो गया। विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत कई बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गीतकार गोपाल दास नीरज, जाने माने साहित्यकार और गीतकार गोपाल दास नीरज दास ने भी इस साल 19 जुलाई 2018 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उनको फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साल 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। राजनेता करुणानिधि, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के कद्दावर नेता एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। करुणानिधि काफी समय से बीमार चल रहे थे। वो गले और फेफड़े में इन्फेक्शन से भी पीड़ित थे। करीब 8 दशकों तक राजनीति में एक्टिव रहे। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 13 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। राजनेता सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का निधन 13 अगस्त 2018 को हुआ था। वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों से 10 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। चटर्जी को 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्रिकेटर अजीत वाडेकर, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत वाडेकर का निधन 15 अगस्त 2018 को हो गया था। वाडेकर की कप्तानी में इंडिया ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज भी जीती थी। वो 1967 में भारत सरकार से अर्जुन अवार्ड और 1972 में पद्मश्री पुरस्कार पा चुके हैं। राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, देश की जनता को तब और भी गहरा धक्का लगा जब उन्होंने देश के दिग्गज राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर सुनी। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। जैन मुनि तरुण सागर, जैन मुनि तरुण सागर का निधन 2 सितंबर 2018 को हो गया। 51 साल के मुनि तरुण सागर पीलिया से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा था कि उन पर दवाओं का असर होना
करना बंद हो गया था। इस तरह साल 2018 ने देश की कई जानी मानी हस्तियों को हमसे छीन लिया। कुल मिलाकर इस साल देश को जितना नुकसान हुआ शायद ही किसी और साल में हुआ होगा। इस साल को हस्तियों की मौतों वाला साल कहें तो गलत नहीं होगा।